श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लालगंज के प्रधानाध्यापक डॉक्टर प्रमोद सिंह ने वृक्षारोपण की दिलाई शपथ। आजमगढ़ जनपद के लालगंज के श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने वृहद वृक्षारोपण किया। तत्पश्चात वृक्षारोपण की शपथ दिलाई गई कि हम पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि धरती पर जीवन हेतु वृक्ष की अति महत्ता है। वृक्ष पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इससे धरती का तापमान संतुलित रहता है। कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने इस महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए लोगों को पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्ष लगाए जाने का आह्वान किया। इस मौके पर सभी रोपित पौधों की जियो टैगिंग की गई। इस मौके पर संस्था के प्रधानाध्यापक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, प्रवक्ता सर्वेश मिश्र, सहायक अध्यापक रामजनम, मनोज, धीरेंद्र सिंह, नीरज सिंह तथा अन्य स्टाफ के सदस्यगण मौजूद रहे। आइए देखते हैं लालगंज से हमारे प्रतिनिधि मिर्जा तारिक बेग की रिपोर्ट। खबर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इसे शेयर भी करें। बेहद वृक्षारोपण के तहत जो आज विद्यालय में कितना वृक्षारोपण हुआ है, मतलब आज 20 वृक्षों को आज लगाया गया है, जिसमें 16 की जियो टैगिंग भी कर दी गई है। और वृक्षारोपण के पूर्व विद्यालय में वृक्षारोपण के संबंध में सभी छात्र छात्राओं, सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को वृक्षारोपण के संबंध में शपथ भी दिलाई गई। और धरती के बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रित करने के लिए स्टाफ में सभी लोगों से ये आग्रह किया गया है कि इस निमित्त कम से कम एक एक वृक्ष सब लोग लगाएंगे। सभी छात्रों से भी कहा गया है कि आज जो वृक्षारोपण का 22 तारीख को कार्यक्रम हुआ है, इसके अलावा भी इस माह भर हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, तो कल और भी कुछ वृक्ष लगाए जाएंगे। कुछ फलदार वृक्ष लगाने की भी योजना है। यहाँ तमाम तरह के बच्चे पढ़ते हैं, अगर कुछ फल वाले वृक्ष भी रहेंगे तो बच्चों को खाने पीने के लिए भी कुछ मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि धरती का जो तापमान है, इस तापमान को नियंत्रित करने में यह वृक्ष जो है बड़े उपयोगी होंगे। इसलिए सरकार जो है, पूरी दुनिया की सरकारें धरती के ऊपर वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रही हैं। सभी लोगों को वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो भी फल वो खाते हैं, उन फलों की गुठलियों को एक पॉलीथीन में या किसी झोले में इकट्ठा करना चाहिए। और जब भी कहीं यात्रा का मौका मिले तो रास्ते में जहाँ भी खाली ज़मीन दिखाई दे वहाँ उसको बिखेर देना चाहिए, जिससे कि कभी वहाँ पानी नमी मिले तो वहाँ कोई नया पौधा उग सके और इस धरती पर हरियाली फैलाई जा सके।